नमस्कार दोस्तों, जिला हमीरपुर के गांव बकरोल से सांप रेस्क्यू के लिए कॉल आई है। देखते हैं कौन सा सांप है, तो जल्दी जल्दी में दिखाते हैं आपको। रास्ते बड़ी बुरी आते बड़ पला है बुरा आता ये रहा जे में निदान करता है। अच्छा, बोलिए। यह सरना है ना सर ना बड़ा हेलो करें जरीला बड़ा चटाकटा संभ्रमा ब्रह्मंड डिंपने झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनी ज्वल ललाट पट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम। बंद नहीं मैं कितनी कोई गल नहीं है ना। नहीं नहीं सुराल नहीं है, सुराल समझ गलती करते लोग इस ऊपर सुराल नहीं। बड़े बड़े कार मार रहे हैं दुबई में। हाय ये के बड़ा ये देख जमीन ना रंगा नजर नहीं आवे इसकी भाई अंदर। हां यहाँ पे थोड़ा भाई लोग मिले हैं रास्ते में और सांप को देखने जा रहे थे। काफी बड़ा जंगल है, यहीं पे इसको रिलीज कर देंगे। चलते हैं जल्दी जल्दी इसको रिलीज कर देते हैं। तो दोस्तों, ये है रसल वाइपर। जहरीले सांपों में सबसे बड़े बीस दांत इसी सांप के होते हैं और ये सांप कभी भी ड्राई बाइट या फॉल्स बाइट नहीं करता है। इंडिया में लगभग 90% स्नेक बाइट के लिए यही सांप रिस्पॉन्सिबल है। इसमें हीमोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है और जहाँ ये सांप काटता है उस जगह में 20 से 25 मिनट में स्वेलिंग आ जाती है। ब्लड सेल के ऊपर ये अटैक करता है और जो ऑर्गन है उनको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से आँख, नाक, कान, मुंह या पेशाब के रास्ते ब्लड आ सकता है, जिससे इंसान को गैंग्रीन रोग भी हो सकता है। और इसमें काटी गई जगह जहाँ पे सांप ने बाइट किया है वो गलने या सड़ने लग सकती है। इलाज ना मिलने पर 5 से 6 घंटों में इंसान की डेथ भी हो सकती है। लोग अक्सर इस सांप को पहचानने में गलती कर जाते हैं, अक्सर इसको अजगर का बच्चा समझ लेते हैं और इसके साथ छेड़छाड़ या पकड़ने की गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण दुर्घटना हो जाती है। इसकी पहचान बहुत ही आसान है। इसका जो सर है वो ट्रायंगल शेप में होता है और सिर से लेकर पीठ तक रुद्राक्ष की माला के मनकों की तरह जो पैटर्न है इसमें होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए सांप के साथ। जय भोले।